नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के कर्मचारी की हड़ताल 9वें दिन भी है जारी। नागरिक अस्पताल परिसर में बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने पर। सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप के साथ 9वें दिन सरकार पर गरजे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी। काला वस्त्र धारण कर बाजारों में निकाला रोस मार्च। तकनीकी घोषित करने पे ग्रेड 4200 रुपये किए जाने तथा इसके अलावा अन्य कई मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। वहीं सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल, शीर्ष से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 9वें दिन भी है जारी। आज शीर्षा के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के शहर में काला वस्त्र धारण कर रोस मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताल बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी चीर परिचित लंबित मांगों को लेकर के सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे हड़ताल करते रहेंगे। वहीं एसोसिएशन के जिला प्रधान सुनीता सेठी ने बताया कि सरकार हर धर्मिता अपनाए हुए है और ना तो सरकार कर्मचारियों को जायज मांगों की अधिसूचना जारी कर रही है और ना ही आम जनता को होने वाली परेशानियों से सरकार को कोई मतलब है। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के पद को तकनीकी घोषित करना, 4200 रुपये पे ग्रेड लागू करना, RCH की बहनों को पूर्व में दी जाने वाली अतिरिक्त मानदेय राशि 2,090, 3,000, 4,000 रुपये को पुनः तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, अन्यथा स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार के साथ साथ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। हमारा 27 तारीख से लेकर आज हमारा 9वां दिन है। 9 दिन हो गए हमें बैठे हुए हैं, लेकिन कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी मुख्यमंत्री महोदय के, किसी भी नेता के नहीं रहेंगी। भी हम जाके पता करें ये इतने में दुख में क्यों है कर्मचारी, क्यों तकलीफ में इतने कर्मचारी। हमारे काम ना करने से गांव के अंदर लोग परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी इनको वापस लेकर के आओ, वो अपनी रिटर्न में भी देने लग रहे हैं सरकार को भी। हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है, हम गर्भवती महिलाएं परेशान हो रही हैं, छोटे बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं होने लग रहा वो परेशान हो रहे हैं, TB के मरीज हैं जिनको दवाई नहीं मिल रही, क्योंकि ऐसी मूलभूत सुविधाएं बहुत हैं जो हम गांव के लोगों को देते हैं। वो पुअर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो शहर में भी जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उनमें भी इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारा ताल्लुक है वो ज़मीन से है। ज़मीन के जो तबके के लोग हैं उनके साथ हमारा जो है काम है, उनके साथ हमारा जो हम उनको सेवाएं देते हैं। उसके बाद हमने फिर उनको एक मौका दिया भी, हमने मीजल का प्रोग्राम आ रहा है हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमने वो प्रोग्राम किया। उसके बाद हमने 3 दिन क्रमिक अनशन किया भी, तब भी मान जाओ 26 अगस्त तक का हमने टाइम दिया भी, हमारी ये मांगे मान लो, नहीं तो 27 हम अनशन पे जाएंगे। पर जिले के अंदर हमने CMO को ज्ञापन दिया भी हम जाएंगे। अब ये कह रहे हैं एस्मा लगा रहे हैं हमारे ऊपर, एस्मा तो तब लगे ना हम इनके नॉलेज में ना करें। 27 तारीख के हमने कितने दिन पहले चेता दिया भी, अगर हमें 26 तारीख तक मांगे नहीं मानोगे हम धरी पे आएंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। एस्मा लगाने का सरकार का केवल एक ही मकसद है, कर्मचारी को किसी न किसी तरह से तोड़ा जाए, और एस्मा लगाने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। एस्मा कैसे लगा जाए, 15-8, 2015 को सरकार को सरकार से मिले थे, अपनी मांगों की अधिसूचना जारी की गई थी। उसके बाद 12
12/10/2017 को भी करनाल के अंदर हमने अम्बाला के अंदर स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे। स्वास्थ्य मंत्री ने हमें वहाँ पूरा आश्वासन दिया था अपनी मांगों के लिए, और 13/7 को फिर हम करनाल के अंदर हमने प्रदर्शन किया था और वहाँ भी हमें आश्वासन दिया था। ये सरकार केवल आश्वासन ही देना जानती है, ये नहीं जानती कर्मचारियों में कितना रोष है, कर्मचारियों में कितनी एकता है। और हम इस एकता के बल पर अपनी जायज मांगों के कारण सरकार को दिखा देंगे, उसको झुका के दिखा देंगे। जमीन सतर पर हमारी लोगों के साथ कितने संपर्क में रहते हैं, और एमपीएच एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन है जो जमीनी सतर पर लोगों के साथ जुड़ी हुई है, और आने वाले समय में 2019 में सरकार को उसके बारे में हम दिखा देंगे आसमां क्या चीज़ होती है।